आप देख रहे हैं उज्जवल भारत समाचार, खबर वही जो है सही। स्वागत है आपका उज्जवल भारत समाचार में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ खुशबू। महाराष्ट्र की 288 सदस्यीय विधानसभा के लिए बुधवार यानी आज मतदान होगा। इस चुनाव में जहां सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन सत्ता बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है, वहीं विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी MVA को सत्ता में शानदार वापसी की उम्मीद है। महाराष्ट्र विधानसभा की सभी 288 सीट पर मतदान सुबह 7 बजे शुरू होगा और शाम 6 बजे समाप्त होगा। मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और कई केंद्रीय मंत्रियों जैसे प्रमुख नेताओं ने अपने अपने उम्मीदवारों के लिए राज्य में प्रचार किया। खूब गूंजे बंटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है के नारे। सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी भाजपा के अलावा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नीत शिवसेना और उपमुख्यमंत्री अजित पवार नीत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकांपा घटक है। गठबंधन को महिलाओं के लिए शुरू की गई माझी लाड़की बहिन जैसी अपनी लोकप्रिय योजनाओं की बदौलत सत्ता में बने रहने की उम्मीद है। भाजपा ने चुनाव प्रचार के दौरान प्रमुखता से बंटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है जैसे नारे लगाए। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि महायुति इन नारों के जरिए धार्मिक आधार पर मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस, शिवसेना, UBT और राकांपा शरद चंद्र पवार के घटक वाले महाविकास आघाड़ी MVA ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बंटेंगे तो कटेंगे और प्रधानमंत्री मोदी के एक है तो सेफ है नारे की आलोचना की। भाजपा के सभी सहयोगी दलों ने इन नारों का समर्थन नहीं किया। अजित पवार ने खुद को इनसे अलग कर लिया। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नारों का मतलब स्पष्ट करने का प्रयास किया, जिससे सत्तारूढ़ गठबंधन में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। MVA गठबंधन ने जाति आधारित गणना, सामाजिक न्याय और संविधान की रक्षा जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके सत्तारूढ़ गठबंधन के प्रचार का मुकाबला किया। विपक्ष का लक्ष्य उन मतदाताओं से अपील करना था जो सरकार द्वारा उपेक्षित महसूस करते थे। मतदान से पहले भाजपा ने सोमवार को एक नया विज्ञापन अभियान शुरू किया। इसमें विपक्षी MVA पर हमला किया गया और मतदाताओं से कांग्रेस को ना कहने का आग्रह किया गया है। विज्ञापन अभियान में अतीत की विभिन्न घटनाओं का उल्लेख किया गया है, जिनमें 26/11 मुंबई आतंकवादी हमला और पालघर में साधुओं की हत्या जैसी घटनाएं शामिल हैं। सत्तारूढ़ MVA में शामिल भाजपा 20 नवंबर को होने वाले चुनाव में 149 सीट पर चुनाव लड़ रही है, जबकि एकनाथ शिंदे नीत शिवसेना ने 81 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। अजित पवार के नेतृत्व वाली राकांपा 59 सीट पर चुनाव लड़ रही है। MVA में शामिल कांग्रेस 101 पर, शिवसेना UBT 95 पर और राकांपा शरद चंद्र पवार 86 सीट पर चुनाव लड़ रही हैं। बहुजन समाज पार्टी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM सहित छोटी पार्टियां भी चुनाव लड़ रही हैं। बसपा ने 237 और AIMIM ने 17 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव 2019 की तुलना में इस बार उम्मीदवारों की संख्या में 28% की वृद्धि हुई है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को जानने और देखने के लिए आप हमारे उज्जवल भारत समाचार को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सुझाव हमारे चैनल के कमेंट्स बॉक्स में साझा जरूर करें। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं उज्जवल भारत समाचार, खबर वही जो है सही।